नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अश्विनी साक्य आपके अपने चैनल साक्य टेक में स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो हम बात करेंगे जावा कन्वेंशन एंड वेरिएबल। ये थर्ड लेक्चर है दोस्तों। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था जावा का इंस्टॉलेशन, जावा कैसे इंस्टॉल करते हैं, और मैंने एक प्रोग्राम रन करके भी दिखाया था कि जावा के प्रोग्राम को कैसे कंपाइल एंड रन करते हैं। ठीक है, तो आइए बिना किसी टाइम वेस्ट किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जावा नेमिंग कन्वेंशंस। जावा नेमिंग कन्वेंशन इज ए रूल टू फॉलो एज यू डिसाइड व्हाट टू नेम योर आइडेंटिफायर। आप अपने आइडेंटिफायर का क्या नाम देना चाहते हैं ये डिसाइड करता है जावा का नेमिंग कन्वेंशन। सच है, जैसे कि आइडेंटिफायर में हमारी क्लास हो गई, हमारा पैकेज हो गया, हमारा वेरिएबल या कांस्टेंट या मेथड, जो भी हम जावा के प्रोग्राम में बनाएंगे क्या होगा, क्लास बनाएंगे, पैकेज बनाएंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, कांस्टेंट डिक्लेयर करेंगे और मेथड्स करेंगे, तो मेथड्स या क्लास का नाम हम क्या डिसाइड करें इसके लिए कुछ कन्वेंशंस जावा ने बनाए हैं जेम्स गॉसलिंग ने। ठीक है, तो व्हाट इट इज़ नॉट फोर्स्ड टू फॉलो, ये फोर्सली ऐसा नहीं है कि आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, बस ये मैनर्स हैं कि हमको ये चीज़ करनी चाहिए क्योंकि जेम्स गॉसलिंग ने की है वो चीज़, उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। जैसे कि क्लास का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, जो भी हम क्लास देंगे, क्लास का नाम देंगे, वो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होना चाहिए, तो ये कन्वेंशन है। ठीक है, सो इट इज़ नॉन एज कन्वेंशन नॉट रूल, ये कोई रूल नहीं है। देखो, रूल एंड कन्वेंशन में इतना ही फर्क है, रूल क्या है वो मस्ट होता है, बट कन्वेंशन इज नॉट मस्ट। ओके, ऑल द क्लासेस इंटरफेसेस पैकेजेस मेथड्स एंड फील्ड्स ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर गिवन अकॉर्डिंग टू जावा नेमिंग कन्वेंशन। जो क्लासेस होती हैं, हमारे इंटरफेस पैकेज मेथड्स फील्ड ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर गिवन अकॉर्डिंग टू जावा नेमिंग कन्वेंशन। जावा नेमिंग कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम लोग इंटरफेस पैकेज और मेथड्स के नाम देते हैं। एडवांटेज क्या होते हैं नेमिंग कन्वेंशन से, देखो जैसे कि अगर हम बात करें क्लास नेम की, तो क्लास नेम क्या होता है, कन्वेंशन क्या है क्लास नेम के केस में, शुड स्टार्ट विद अपर केस लेटर एंड बी ए नाउन, वो नाउन होना चाहिए और स्टार्ट होना चाहिए किससे, अपर केस लेटर यानी कैपिटल लेटर से। जैसे कि एग्जांपल में आपको स्ट्रिंग दिया गया है, कलर ये प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, बटन ये भी प्री डिफाइंड क्लास है, सिस्टम देखिए इसका भी यस कैपिटल है, थ्रेड इसका भी यस कैपिटल है। ओके, ऐसे ये तो प्री डिफाइंड क्लास हैं, जो हम यूज़र डिफाइंड क्लास बनाएंगे उसका भी हम फर्स्ट लेटर कैपिटल ही रखेंगे। इंटरफेस नेम क्या होता है, शुड स्टार्ट विद अपर केस लेटर एंड बी एन एडजेक्टिव, वो क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए और ये भी अपर केस लेटर होगा। ठीक है, यानी कि कैपिटल लेटर होगा, जैसे एग्जांपल में रनेबल, ठीक है, रिमोट, एक्शन लिसनर, ये क्या है, इंटरफेसेस हैं। मेथड नेम क्या होता है, मेथड जो हम लोग सी और सी प्लस प्लस में फंक्शन पढ़ते थे ना, उसी चीज़ को जावा में मेथड बोला गया है। शुड स्टार्ट विद लोअर केस, लोअर केस से स्टार्ट होगा यानी स्मॉल लेटर से, एंड बी ए वर्ब, एक वर्ब हो सकता है। ठीक है, एक्शन परफॉर्म, देखो एक्शन स्टार्ट तो स्मॉल लेटर से हुआ लेकिन बड़ा नाम है तो आगे उन्होंने कैपिटल लेटर से ऐड कर दिया। ठीक है, मैन मेथड है ये हमारा। ठीक है, प्रिंट मेथड एंड प्रिंट एलन मेथड, आप स्टार्ट करेंगे स्मॉल लेटर से ही, बट आगे चल के आप कोई सा भी लेटर कैपिटल कर सकते हैं जैसा कि एक्शन परफॉर्म में किया गया है। वेरिएबल नेम शुड स्टार्ट विद लोअर केस लेटर, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, जैसे फर्स्ट नेम, ऑर्डर नेम, स्टार्ट करेंगे आप स्मॉल लेटर से ही, आगे चल के आप नेम बड़ा है तो आप कैपिटल लेटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल नेम के हम रूल्स जो कि सी में होते हैं कि अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं आप, जैसे कि आपको फर्स्ट नेम देना है इस तरीके से, तो ये अंडरस्कोर आप करके और यहाँ पे ऐसे नेम ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, पैकेज नेम शुड स्टार्ट विद लोअर केस से होगा, जैसे कि जावा पैकेज लैंग, एसक्यूएल, यूटिल, ये पैकेज हैं जावा के अंदर,
ये सारे सारे आपको दिख रहा होगा स्मॉल लेटर से स्टार्ट हुए हैं। कॉन्स्टेंट नेम शुड बी अपर केस होना चाहिए, जैसे रेड येलो मैक्स प्रॉपर्टी। कॉन्स्टेंट में भी आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। ये तो हो गए कन्वेंशंस। व्हाट टू डू टू क्रिएट ए जावा प्रोग्राम, हमको जावा प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा। तो देर आर टू वेज, मेरे पास तो वे टू वे हैं। आइदर वी यूज आईडीई, या तो हम आईडीई यूज कर लें जैसे कि नेटबीन्स एक्लिप्स या ब्लूजे हो गया, और वी कैन इंस्टॉल जेडीके, या फिर हम अलग से जेडीके इंस्टॉल कर लें। ठीक है, आईडीई हैव कंपाइलर एंड कोड एडिटर बोथ। जो आईडीई होती है मेरे पास, उसके अंदर कंपाइलर भी होता है और कोड एडिटर भी होता है, जहां पर हम कोड को क्या करते हैं, राइट करते हैं, और वहीं पे हम कंपाइल और रन करते हैं। ओके, बट इन केस ऑफ जेडीके केस में वी नीड एनी कोड एडिटर, जैसे कि मेरा नोट पैड हो गया, एडिट प्लस हो गया, और भी है, नोट पैड प्लस प्लस है, जहाँ पे कोड लिखते हैं। टू क्रिएट ए जावा फाइल, तो नोट पैड एडिट प्लस पे क्या करेंगे, हम जावा फाइल क्रिएट करेंगे। वी कंपाइल एंड रन ए जावा प्रोग्राम ऑन सीएमडी बाई कमांड, कमांड्स के थ्रू हम जावा के प्रोग्राम को सीएमडी पे रन करते हैं जब हम एक्सटर्नली जेडीके इंस्टॉल करते हैं। तो ठीक है, उसमें एनवायरमेंटल वेरिएबल सेटिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ये चीज़ करके दिखाएंगे। मैंने प्रीवियस वीडियो में ये करके दिखाया था कि आप एनवायरमेंटल वेरिएबल सेटिंग कैसे करते हैं जेडीके को, और कैसे कमांड को रन करते हैं। ठीक है, नाउ जावा वेरिएबल्स बात करते हैं। वेरिएबल क्या होता है? ए वेरिएबल इज ए कंटेनर विच होल्ड द वैल्यू वाइल द जावा प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। ए वेरिएबल इज असाइंड विद ए डेटा टाइप, डेटा टाइप के साथ असाइंड होता है, क्योंकि इसका सिंटेक्स होता है, इसका सिंटेक्स जो होता है वो होता है डेटा टाइप देन वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम। ठीक है, सेम कर, ये होता है इसका सिंटेक्स। ठीक है, ये क्या हो गया, सिंटेक्स किसी भी, तो फिर ये हो गया असाइंड विद डेटा टाइप। अब डेटा टाइप वही जो हम लोग पढ़े थे, डेटा टाइप आपके क्या हो सकते होंगे, आपका इंट होगा, आपका फ्लोट होगा, ठीक है, आपका इसमें डबल भी होगा, बहुत सारे होंगे। ठीक है, कैरेक्टर भी होगा, ये सारे आपके डेटा टाइप होंगे। तो वेरिएबल इज ए नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन का नाम होता है। वेयर आर थ्री, देर आर थ्री टाइप टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन जावा, जावा के अंदर तीन तरीके के वेरिएबल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज लोकल इंस्टेंस एंड स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल इज द नेम ऑफ रिजर्व एरिया एलोकेटेड इन मेमोरी। इन अदर वर्ड्स इट इज ए नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरी प्लस एबल, दैट मीन्स इट्स वैल्यू कैन बी चेंज, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। इसमें आप इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं और इसमें आप डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू अपडेट हो जाती है किसी भी वैल्यू में, आप रीअसाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, वो वेरिएबल की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा कि वेरिएबल मेरा किस टाइप का है, लोकल है, इंस्टेंस है, या फिर स्टैटिक है। आइए देखते हैं एक एक टाइप को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वेरिएबल, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएबल। फर्स्ट वन इज लोकल वेरिएबल्स, सेकेंड वन इज इंस्टेंस, थर्ड वन इज स्टैटिक वेरिएबल। तो वन बाई वन हम लोग देखते हैं। लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल ए वेरिएबल डिक्लेयर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड। ये मेथड की बॉडी के अंदर डिक्लेयर होते हैं, इट इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। यू कैन यूज दिस वेरिएबल ओनली विद इन दैट मैथड, एंड द अदर मैथड्स इन द क्लास आर नॉट इवन अवेयर दैट द वेरिएबल एग्जिस्ट। कहने का मतलब है ये सिर्फ उस मैथड के अंदर ही एक्सेस हो सकता है, और ना कि दूसरी क्लास में जहाँ पे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक, कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने कोई मेथड बनाया हुआ है वाइड, जैसे कि मैंने कोई मेथड ले लेता हूँ यहाँ पे, जस्ट गेट मेथड मैंने ले लिया। ठीक है, ये गेट मेथड, और इसके अंदर
मैंने वेरिएबल का डिक्लेरेशन कर दिया इंट आई इक्वल्स टू 10। ओके नाउ एक दूसरा मेथड मैं लेता हूँ क्लास के अंदर, मेरा दूसरा मेथड है वाइट पुट। नाउ अब इस आई की वैल्यू को मैं यहाँ पे यूज नहीं कर सकता एसओपी के अंदर, यहाँ पे अगर मैं आई को प्रिंट कराऊँ तो नहीं कर सकता क्योंकि इसकी बॉडी इस मेथड के अंदर है। ठीक है, अगर इसके बाहर मैं यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ तो वो रॉन्ग है। ओके, इसलिए बोला है कि जिस मेथड के अंदर आप करोगे तो ये किस टाइप का हो गया, ये आपका लोकल वेरिएबल हो गया, ये आपका क्या हो गया लोकल वेरिएबल हो गया। ओके, इसकी लाइफ ओनली विद इन दी बॉडी मेथड बॉडी रहती है, मेथड की बॉडी के अंदर। ठीक है, दूसरी क्लास या दूसरी क्लास के अंदर और भी मेथड होंगे उसके अंदर ये एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, और लोकल वेरिएबल कभी भी स्टैटिक कीवर्ड से नहीं बनते, अगर यहाँ स्टैटिक लिख देंगे तो ये लोकल नहीं रह जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टैटिक वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है। इंस्टेंस वेरिएबल, ए वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड, ये दो वर्ड इन्हीं पे आपको फोकस करना है, इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड, मेथड की बॉडी के बाहर और क्लास के अंदर, इज कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल, इट इज नॉट डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक, ये भी स्टैटिक से डिक्लेयर नहीं करते। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल पे मैंने कोई क्लास बनाई, मान के चलो मैंने स्टूडेंट बनाया। ठीक है, अब इस क्लास के स्टार्टिंग से ही, अब यहीं पे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए इंट रोल नंबर, ठीक है, और स्ट्रिंग में उसका नेम दे दिया स्टूडेंट का। ओके नाउ अब मैंने क्या किया, मैंने मेथड क्रिएट करना स्टार्ट किया वाइट। ओके, यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर आप यूज़ कर सकते हो, पब्लिक जो कुछ भी आप यूज़ करना चाहें, पब्लिक में आपने कुछ भी दे दिया वाइट गेट। ओके नाउ इसके अंदर कोई भी आपने वेरिएबल ले लिया इंट आई इक्वल्स टू 10, तो ये क्लास के जस्ट बाद आपने जो डिक्लेयर किया है ये सारे क्या हैं, ये आपके इंस्टेंस वेरिएबल है, ये आपके क्या हैं इंस्टेंस हैं दोनों बहुत, लेकिन ये जो है ये क्या है आपका लोकल है। ठीक है, ये आपका क्या है लोकल वेरिएबल है, तो ये आपको पता चल गया कि लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर क्या डिफरेंस होता है। अब बात करते हैं आपका स्टैटिक वेरिएबल, तो स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, ये स्टार्ट होता है स्टैटिक कीवर्ड से, तो लिखा है ए वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक इज कॉल्ड एज स्टैटिक वेरिएबल, जो भी वेरिएबल स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किए जाते हैं उनको स्टैटिक वेरिएबल बोलते हैं। इट कैन नॉट बी लोकल, ये लोकल नहीं हो सकते, यू कैन क्रिएट ए सिंगल कॉपी ऑफ स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल की ओनली सिंगल कॉपी क्रिएट होती है एंड शेयर अमंग ऑल द इंस्टेंस ऑफ द क्लास, इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट, क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू सभी को सेम शेयर होगी। मेमोरी एलोकेशन ऑफ स्टैटिक वेरिएबल हैपन्स ओनली वंस व्हेन द क्लास इज लोडेड इन द मेमोरी, स्टैटिक वेरिएबल्स को मेमोरी ओनली वन टाइम मिलती है जैसे ही हमारी क्लास लोड होती है। ठीक है, तो स्टैटिक वेरिएबल का एग्जांपल आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे स्टैटिक यूज़ किया उसके बाद देन डेटा टाइप देन कुछ भी नाम, आप यहाँ पे इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ स्किप भी कर सकते हैं, आप बेसिकली स्टैटिक वेरिएबल इनिशियलाइज ही किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वह स्टैटिक होते हैं, चेंज नहीं होते। नाउ प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड द वेरिएबल, अब प्रोग्राम देखते हैं कि वेरिएबल टॉपिक को कैसे समझा जाए। एक क्लास बनाई मैंने ए नाम की, इसके अंदर डेटा 50, ये इंस्टेंस वेरिएबल है, ये स्टैटिक वेरिएबल है एम। ठीक है, मेथड के अंदर ये लोकल वेरिएबल है, अभी इसका मैंने मेन मेथड डिक्लेयर नहीं किया, बस मैंने आपको तीनों मेथड्स का
लोकेशन बताया कि कौन सा मेथड कहाँ रहा है, क्लास के तुरंत बाद क्या है आपका इंस्टेंस, तुरंत आपने स्टैटिक कर दिया तो ये आपका स्टैटिक वेरिएबल हो गया, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक है। आपका फाइंड मेथड, मेथड आपने क्रिएट किया, मेथड के अंदर आपने क्या किया, इंट एन इक्वल्स टू 90, ओके, ये आपका क्या हो गया, लोकल वेरिएबल हो गया, ठीक है। अब ये याद रखने वाली है, जो आपके इंस्टेंस वेरिएबल है ठीक है, वो आपके एक्सेस हो सकते हैं इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू, इंस्टेंस वेरिएबल आपके ऑब्जेक्ट के थ्रू इजीली एक्सेस हो जाएंगे, बट आप स्टैटिक वेरिएबल विदाउट ऑब्जेक्ट आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, विदाउट ऑब्जेक्ट के लोकल वेरिएबल कांट बी एक्सेस, आप एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आपको क्या करना है, मेथड को कॉल करना है और उस मेथड के अंदर फिर आप उस वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। फिर आप उस जो वेरिएबल है आपका लोकल वेरिएबल, उसको फिर आप प्रोवाइड, आइए चलते हैं इसका प्रोग्राम देखते हैं टू योर टेक्स्ट एडिटर। तो हम चलते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे, ओके। नाउ टेक्स्ट हमारा है एडिट प्लस, एडिट प्लस ओपन करता हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ, मेरी क्लास थी ये नाम की, ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ पब्लिक मेन मेथड पहले बना लेता हूँ, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक मेन मेथड मैंने बताया था ऐसा ही लिखा जाता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, रिटर्न टाइप वॉइड, ओके, स्ट्रिंग अक्ष, ना आप इसके अंदर पहले तो आप क्या करें, वेरिएबल डिक्लेरेशन कर दें, इंट डेटा इक्वल्स टू 10, स्टैटिक इंट डी इक्वल्स टू 120, ओके। नाउ void method, के method method की body के body के अंदर आपने क्या किया, int a equals to आपने कर दिया 10 12, और यहीं पे आपने इसको प्रिंट करा देना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ओके। आप एक मैसेज भी ले सकते हो, लोकल वेरिएबल, तो मुझे पता है मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि ये मेरा लोकल वेरिएबल, अपेंड साइन यूज़ किया और इको प्रिंट कर दिया, ठीक है। ये कॉमा नहीं लगाते जावा के अंदर, यहाँ पे अपेंड यूज़ करते हैं, देन अब आपको ये एक्सेस करना है एंड ये प्रिंट कराना है, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक ऑब्जेक्ट बना लो, तो ए ओ बी जे इक्वल्स टू न्यू ए, ओके, ये ऑब्जेक्ट बन गया आपका। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू देखो, ये स्टैटिक है और ये भी स्टैटिक है, स्टैटिक वेरिएबल की खासियत, अब आप इसको डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो, कोई यूज़ नहीं है ऑब्जेक्ट की, आप डायरेक्टली कर सकते हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, आप डायरेक्ट d यहाँ करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 120, ओके। अगर आप ये स्टैटिक नहीं होता, अगर आप यही चीज़ डेटा के साथ करना चाहें, देखिए आप, अगर आप यही काम डेटा के साथ करना चाहेंगे तो आपको एक एरर मिलेगी, वो एरर क्या होगी आपकी, कि आप ये स्टैटिक ब्लॉक नहीं है यहाँ पे, और आप जिसके अंदर आप इसको एक्सेस कर रहे हैं यानी प्रिंट कर रहे हैं, इतना ब्लॉक, ये भी तो एक मेथड है ना, तो ये क्या है, इतना ब्लॉक आपका स्टैटिक है, तो स्टैटिक ब्लॉक के अंदर नॉन स्टैटिक मेंबर एक्सेस नहीं होते, ठीक है।
इसलिए आपको पहले मैं करके दिखाता हूँ, एरर आएगी, एरर आपको आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे डेटा कर दूँ तो यहाँ पे आपको एरर मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे कोई एरर नहीं मिलेगी आपको। देन अब आपको इसका एक्सेस करना है, अगर इसको भी मैं ऐसे लिख दूंगा तो यहाँ पे ए फाइंड नॉट सिंबल करके आएगा, क्योंकि ए उसको मिलेगा ही नहीं, तो हमें तो मेथड को कॉल करना पड़ेगा तभी इसके अंदर एंट्री मिलेगी हमको, ठीक है। तो मैं करके दिखा देता हूँ आपको क्या करना है, कंट्रोल वी, और इसके अंदर आपको ओ बी जे डॉट मैथड कॉल कर देना, ओके, आप ये कर सकते हैं। देन फाइल को सेव करते हैं, फाइल को सेव कर रहे हैं हम डेस्कटॉप पे, एक हमारा फोल्डर होगा डेस्कटॉप पे जावा फाइल्स, ओके, ये मेरी फाइल पहले से पड़ी हुई है इनाम से। मैं इसका क्या करता हूँ, क्लास चेंज कर देता हूँ यहाँ पर, जस्ट ए मिनट, मैं यहाँ पे क्लास कर देता हूँ बी, ओके। और जहाँ पे आपका ए है उसको रिप्लेस करना होगा बी से, मैंने उसको बी से रिप्लेस कर दिया। नाउ अगेन सेव द फाइल, नाउ फाइल नेम इज बी डॉट जावा, ओके। नाउ अब पहुँचते हैं अपनी फाइल पे, जावा फाइल्स के अंदर गए, बी डॉट जावा अभी है, अभी देखो यहाँ पे डॉट क्लास फाइल नहीं है, आपके पास क्या है, ओनली जावा फाइल है। जैसे ही इसको कंपाइल करूँगा आपकी डॉट क्लास फाइल ऑटोमेटिकली कंपाइलर क्रिएट कर देगा, अगर सक्सेसफुली कंपाइल हो जाती है तो। तो मैं डायरेक्ट सी एम डी पे आया, मैंने लिखा जावा सी बी डॉट जावा, ओके। नाउ देखिए एरर, नॉन स्टैटिक वेरिएबल डेटा कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम ए स्टैटिक कंटेंट, कह रहा है स्टैटिक कंटेंट में नहीं आ सकता आपका, ठीक है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल है डेटा, इसलिए ये डेटा पे एरर दे रहा है। अब वाइड टाइप इज नॉट अलाउड, ये देखिए वाइड टाइप इज नॉट अलाउड, ये इंट वाइड अलाउड नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इस चीज को वाइड टाइप नहीं दे सकते, क्योंकि आप एसओपी के अंदर आप किसी भी मेथड को कॉल नहीं कर सकते वाइड टाइप को, अगर इंटीजर टाइप का होता तो आप कर सकते थे, क्योंकि रिटर्न वो यहाँ पे कर देता, ठीक है। अब देखिए आप, मैं एक इंट टाइप का भी आपको एक्सेस करके दिखा दूँ तो समझ में आ जाएगा। मैं इंट एक मेथड बना देता हूँ, मेथड बन नाम से, ठीक है, इसके अंदर मैं कुछ तरीके से करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे मैं बी कर देता हूँ, इसकी वैल्यू 22 कर देता हूँ, और यहाँ पर बी बी इज इक्वल टू, ठीक है, एज इक्वल टू ही हुआ। आओ अब देखिए, अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ इस वाली लाइन को, यहाँ पे ओबीजे डॉट मेथड बन कर देता हूँ अभी, ठीक है। तो मेथड वन क्या है, आपने इसको कॉल किया इस चीज को, ठीक है, ऑब्जेक्ट किसका है, बी क्लास का, उसके थ्रू मेथड वन को कॉल कर रहे हैं, तो देखना ये एरर शो नहीं करेगा। अभी जो एरर आपकी ये आ रही थी मेथड ओबीजे, ठीक है, तो ये एरर आपको शो नहीं मिलेगी। इसको सेव किया फाइल को और देन अगेन कंपाइल किया, देखिए अब वन एरर रहेगी, क्यों, आपने क्या किया मेथड वन को अब कॉल किया है, तो देखिए ओनली वन एरर आ रही है जो कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल वाली थी। अब इस चीज़ को रिमूव करना है नॉन स्टैटिक वेरिएबल वाली की, तो क्या करना होगा, कुछ नहीं, यहाँ पे आपको सिंपली ओबीजे डॉट टी लिखना होगा, सॉरी ओबीजे डॉट डेटा, ओबीजे डॉट डेटा, क्योंकि जो हमारा डेटा है वो क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल है, डेटा मेरा क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल है, इसलिए मुझे इस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करना पड़ेगा,
ठीक है। तो फिर यहाँ से मैं अगेन कंपाइल करता हूँ, पहले फाइल को सेव करना है। जितने टाइम से आपको फाइल में अपडेट करेंगे उतने टाइम से आप फाइल को रीशेप करेंगे, रिकम्पाइल करेंगे फाइल को, जब तक एरर रिटर्न स्टेटमेंट में से रिटर्न स्टेटमेंट ओके, क्योंकि आपने इंटीजर टाइप का है तो आपका रिटर्न स्टेटमेंट मिसिंग बता रहा है वो। ठीक है, तो मुझे इसको नहीं दिखाना है, मुझे बस इतना दिखाना था एरर आती है या नहीं आती। ठीक है, मुझे मेथड एक ही से काम करना है, मेथड का नाम हो गया हाँ ओबीजे डॉट वर्ड। ओके सिंपली आपको ये लिखना है आपने जैसे ही कॉल करेंगे इसको ओबीजे डॉट मैथड, कंट्रोल यहाँ आएगा, इसके बाद आपका एसओपी प्रिंट एलन चल जाएगा। ठीक है, आपको अलग से चलाने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, फाइल कंपाइल हो गई, रिटर्न हो गई उसी सेम डायरेक्टरी में, तो देखते हैं आपकी बी डॉट क्लास फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई होगी। जब आप फाइल्स में गए देखो बी डॉट क्लास फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई। अब मैं इसको रन कर लेता हूँ, रन करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, जावा बी, बस एंटर किया। देखिए 120 10, लोकल वेरिएबल एज 12। ठीक है, अब आप ये चाहते हैं कि हमारा ये मेथड कॉलिंग भी एसओपी के अंदर हो, तो वो कब होती है, जब आपके मेथड का रिटर्न टाइप इंटीजर हो और उसके अंदर रिटर्न स्टेटमेंट लिखा हो। दो रिक्वायरमेंट होती हैं, फर्स्ट वन इज क्या है कि आपका उसका रिटर्न टाइप इंटीजर होगा, और जब रिटर्न टाइप इंटीजर होगा सीधी सी बात है उसके अंदर रिटर्न स्टेटमेंट होना ही चाहिए। किसी भी मेथड का रिटर्न टाइप इंटीजर या फ्लोट होता है उस केस में एक्सेप्ट वाइड के, वाइड को छोड़ के कोई भी रिटर्न टाइप होता है किसी भी मेथड का, तो उस मेथड के अंदर कम से कम एक रिटर्न स्टेटमेंट तो होगा ही, क्योंकि मेथड वन टाइम पे एक रिटर्न स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है अगर मेथड का रिटर्न टाइप वाइड नहीं है तो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ी देर के लिए इस मेथड को कर देता हूँ मैं इंटीजर, और इस जगह मैं लगा देता हूँ रिटर्न, ओके रिटर्न ए, ओके नाउ अब इस चीज को मैं एसओपी के अंदर आराम से प्रिंट कर सकता हूँ, अंदर आराम से आप प्रिंट कर दीजिए। आप यहां से कट करिए और इसके अंदर पेस्ट कर दीजिए, इसके अंदर पेस्ट कर ओबीजे डॉट मैथड मेथड ठीक है। तो अब आपका क्या हो रहा है, ओबीजे डॉट मैथड इसको होगा तो कंट्रोल यहाँ पे आएगा, रिटर्न स्टेटमेंट ए के अंदर 12 होगा तो 12 यहाँ आके इस जगह 12 आ जाएगा, तो 12 आपका प्रिंट हो जाएगा। रिकम्पाइल किया कोई एरर नहीं, ठीक है तो आ गया 12। ओके, आप यहाँ पे मैसेज के दे सकते हैं कि जो 12 वैल्यू आ रही है वो एक ही कैसे आ रही है, आप यहाँ पे एक मैसेज अपेंड कर सकते हैं लोकल वेरिएबल इज इक्वल्स टू, ठीक है, और उसके बाद प्लस अपेंड कर दीजिए। ठीक है, तो आपने क्या देखा, इंस्टेंस वेरिएबल कैसे एक्सेस होता है, स्टैटिक कैसे एक्सेस होता है, और लोकल वेरिएबल कैसे एक्सेस होता है। तो ये आपका क्या था, ये आपका इंस्टेंस था, ठीक है,
और इसमें एक्सेस स्पेसिफायर नीड नहीं होती है, ठीक है। अभी मैंने जो बता दिया है, अभी जो मैंने एग्जांपल बताया था, शायद मैं गलत बता गया हूँ, जहाँ पे मैंने पब्लिक बताया था, ठीक है। एक्सेस स्पेसिफायर आप C++ में यूज़ करते हो, जावा में नहीं करते, ठीक है। ये आपका क्या है, स्टैटिक है, स्टैटिक, और ये आपका क्या है, लोकल। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो ये समझ में आई होगी, और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में करिए, ठीक है, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, धन्यवाद।